नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिमुलतला में एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी। बाकी राज्यों को पीछे छोड़ बिहार इसमें बना अव्वल। बिहार के किशनगंज में भूकंप का झटका। रोहित ने कहा खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की दिखी कमी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सिमुलतला में एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई ने छठी कक्षा में सत्र 2025-26 के लिए नामांकन शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख 19 अगस्त तक है। इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अक्टूबर को और मुख्य परीक्षा 20 अक्टूबर को होगी। बता दें कि प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालयों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आवेदक की आयु 1 अप्रैल 2025 को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक बिहार राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए ₹200 परीक्षा शुल्क देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क ₹50 दे होगा। परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 0612-223-2074 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। राज्य सरकार अब पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से धान बेचने पर किसानों को बोनस देने की योजना बना रही है। सहकारिता विभाग और खाद आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद किसानों को जल्द ही बोनस का लाभ दिया जाएगा। मंत्री प्रेम कुमार ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि अंतर विभागीय समन्वय स्थापित किया जा रहा है और सरकार इस पर सहमति बनाने के लिए प्रयासरत है। बाकी राज्यों को पीछे छोड़ बिहार इसमें बना अव्वल। आज बिहार ने एक बार फिर एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारतीय डाक विभाग की सबसे पुरानी योजना डाक जीवन बीमा, जिसकी शुरुआत 140 साल पहले सन 1884 में हुई थी, इसमें बिहार ने देश में सबसे आगे होने का रिकॉर्ड बना लिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। बिहार सर्किल के मुख्य चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इस योजना को बिहार में शानदार प्रतिक्रिया मिली है, जिसके चलते बिहार अब इस मामले में देश में अव्वल हो गया है। बिहार के किशनगंज में भूकंप का झटका। बिहार के किशनगंज में भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। वहीं भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। वहीं भूकंप से किसी जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। भूकंप का केंद्र सिक्किम रहा। अब व्हाट्सएप के माध्यम से होगा समस्याओं का निवारण। अब आपकी समस्याओं का निवारण पटना के डीएम व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर 6202980548 पर अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं। आपकी हर समस्याओं का तेजी से निपटारा किया जाएगा। डीएम ने लोगों के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मैसेज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैसेज के आधार पर संबंधित पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। डीएम ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक और एक्स अकाउंट पर प्राप्त सूचनाओं पर भी त्वरित कार्रवाई की जाती है। 5 शिक्षकों को किया जाएगा बर्खास्त। शिक्षा विभाग 5 ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त करेगा जो टीईटी में फेल हैं और फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं। इन शिक्षकों पर एफआईआर कराने का भी आदेश जारी किया गया है। इसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि जिले के पारू प्रखंड में ये शिक्षक पकड़े गए हैं। बिहार बोर्ड ने इन शिक्षकों के टेट सर्टिफिकेट जाँच के बाद इनकी सूची जिले को भेजी है। जिन शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है उनमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठेंगपुर के नूरुल हुदा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय काजी मोहम्मदपुर के एनुअल हक,
उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर नया गांव की सीमा कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय टरवा मछौलिया के मोहम्मद नासिर अहमद और उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलवरिया के मोहम्मद कमरान सिद्दीकी शामिल हैं। राज्य के 93% प्राइवेट स्कूलों में फर्स्ट एड की सुविधा का भार या भाव। राज्य के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है। राज्य के प्राइवेट स्कूलों में किताब के साथ लाइब्रेरी और फर्स्ट एड की सुविधाओं का भारी अभाव है। बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 93% प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फर्स्ट एड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। केवल 7% प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट एड की सुविधा है। ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय की डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी की है। हैरत इस बात की है कि सरकारी को छोड़ दें तो निजी स्कूल किताबों के नाम पर जबरदस्त पैसा कमाते हैं। ये स्थिति बच्चों की सुरक्षा और उनके शिक्षा के अधिकार पर सवाल खड़ा करती है। 16 इंस्पेक्टर और 644 दरोगा समेत कई सिपाहियों की हुई गृह जिले में पोस्टिंग। राज्य के 1330 पुलिसकर्मियों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है, जिसमें हर रैंक के अधिकारियों को उनके गृह जिलों में पोस्टिंग की गई है। बता दें, बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों के कार्यकाल की अवधि 6 महीने से लेकर 1 साल तक बची है। इस आदेश के तहत 16 इंस्पेक्टर, 644 दरोगा, 298 हवलदार, 195 ASI, 118 सिपाही और 30 पुलिस चालक समेत अन्य पुलिस के अधिकारियों को उनके पसंदीदा जिलों में पोस्ट किया गया है। पटना में गंगा आरती अगले आदेश तक बंद। पटना में गंगा नदी का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंच चुका है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। वही दीघा घाट में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 56 सेंटीमीटर नीचे है। मनेर में जलस्तर खतरे के निशान से 1.67 मीटर और फतुहा में मात्र 25 सेंटीमीटर नीचे है। जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके बाद खेतों में बनी झोपड़ियों को हटाकर जेपी गंगा पथ के किनारे रखा जा रहा है। वहीं बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए शनिवार और रविवार को होने वाली गंगा महाआरती को 10 अगस्त से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये निर्णय बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। रालोजपा ने भाजपा से तरारी सीट के लिए किया अनुरोध। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा किया है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष ये मांग रख दी गई है। बता दें कि रालोजपा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से ये अपील भी किया है कि एनडीए में तरारी की सीट रालोजपा को दी जाए। बता दें कि तरारी सीट से पिछली बार भाकपा माले कैंडिडेट सुदामा प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। अब व्यारा लोकसभा सीट से सांसद हैं, इसलिए तरारी सीट पर उपचुनाव होंगे। इसकी तैयारी तेज हो गई है। हालांकि अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पटना एयरपोर्ट को बताया खतरनाक। बिहार के सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में पटना एयरपोर्ट को खतरनाक बताया है, साथ ही अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आए। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पटना एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, मगर इतने सालों में पटना से कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज नहीं उड़ पाया। सिर्फ सरकार की घोषणा से कोई भी एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन जाता। रूडी ने यह भी कहा कि पटना एयरपोर्ट देश का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा है। बिहार में 14 करोड़ की आबादी है, मगर हवाई जहाज उतारने की जगह नहीं है। ऐसे में बिहार में एक नया एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है। सांसद ने पटना एयरपोर्ट से संचालित फ्लाइट के महंगे दाम पर भी सवाल उठाए। लालू यादव के करीबी पर ईडी का शिकंजा। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के करीबी रहे अमित कात्याल के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और अमित कात्याल के रियल्टी कंपनियों के 113 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 63 और 65 में 70 एकड़ जमीन, क्रिस प्रोविंस एस्टेट में 5 फ्लैट और क्रिस फ्लोरेंस एस्टेट में 7 फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई में एक बेनामी कंपनी के 2 फ्लैट भी शामिल हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।
आपको बता दें कि अमित कात्याल को पिछले साल भी रेलवे में भूमि के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव, सांसद बेटी मीसा भारती और अन्य शामिल हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर प्रदर्शन। राजद, माले और कांग्रेस के सांसदों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर राजद सांसद मीसा भारती, मनोज झा, संजय यादव, सुधाकर सिंह, वाम दल सांसद सुदामा प्रसाद ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद के प्रवेश द्वार पर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि इस वर्ष के बजट सत्र में मोदी सरकार ने साफ किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की योजना नहीं है। वहीं आम बजट में बिहार को लेकर कुछ योजनाएं घोषित की गई। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि ये बिहार को झांसा देने की भांति है, चाहे भाजपा हो या जदयू, दोनों ही बिहार को छलने का काम किए हैं। प्रशांत किशोर की शर्त, 1 घंटे में शराबबंदी करेंगे खत्म। प्रशांत किशोर ने हाल ही में अपने नए राजनीतिक मोर्चे जनसुराज की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 20 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। पीके ने कहा कि यदि नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बने रहते हैं तो ये जन सुराज के लिए फायदेमंद होगा, और 2025 में उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। रोहित ने कहा, खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी दिखी। भारत को 27 साल बाद श्रीलंका में पहले वनडे सीरीज गंवानी पड़ी। श्रीलंकाई स्पिनरों के सामने भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन पर रोहित शर्मा ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी दिखी, क्योंकि उस पिच पर हमारा प्रदर्शन जो है निराशाजनक रहा। वहीं भारतीय बल्लेबाज का बचाव करते भी रोहित शर्मा नजर आए और कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने अपना अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की और कई खिलाड़ियों ने अपने खेल के विपरीत स्वीप शॉट भी खेले। अभी इस टीम के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनका नाम है राजकिशोर महतो, गोनर शर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रवि कुमार, अजीत कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, कुश कुमार यादव, नौशाद रजा, वेद प्रकाश सिंह, उमेश ऋषिदेव, रोशन कुमार, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, नीतीश कुमार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, लोकसभा में सांसद राजीव प्रताप रूडी द्वारा पटना में जो नया एयरपोर्ट बनाने की मांग की गई है उस पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।